सोच के देखिए हमें क्या करना है। इससे पहले करोड़ों की बातें हम नहीं करते थे, लाखों की बातें करते थे, आप डॉलर में बोल रहे हैं। हम आगे वाला पागल होता है, ये थोड़ा अलग बोल रहे हैं, लेकिन जो व्यू बदलता है लोगों का, जो लोग हमें ना बोलते थे आज वही लोग हमारे देख रहे हैं। थोड़ा सब लोग मीटिंग बंद होने के बाद में देखिए कि हमारा टेटस जो ना बोलने वाले लोग हैं वही ज्यादा देख रहे हैं, वो भी हमारे हैं। सुबह का भूला शाम को आता है तो उसको भूला नहीं कहते, अगर वो आता है तो उसको समझा बुझा के ले लो और चलो, क्योंकि हमें खुद से बदलना है, हमें अपने राज्य को बदलना है, हमें अपने इंडिया को बदलना है। वर्ल्ड में हम इंडिया को 100% आर्थिक आजादी में बना देंगे और हर एक गरीब लोग, यहाँ पे कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, हमारा सोच है और हम उस मोमेंट काफी अच्छा आ रहा है। तो हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति हमारे से जुड़ा है। आप कौन सा भी फार्मर से लेके ट्रांसफर ऑफिसर तक कोई भी रैंक हमारे यहाँ पे वो आदमी यहाँ पे है, तो सीबीआई ऑफिसर हैं, सीआईडी ऑफिसर हैं, देख लीजिए काफी अच्छे यूट्यूबर हैं, काफी अच्छे स्पीकर हैं, किसी का भी मदद आप ले लीजिए। अगर आप सच्चे दिल से परलवाइन कर रहे हो तो आपको वहां पे अच्छा मोमेंट देने के लिए हर एक हाथ आगे आएगा। आने वाले समय में खुदा भी पूछे, बोल बंदे तेरी रजा क्या है, क्या लिखूं तेरी तकदीर में। कार्य करते जाओ, निरंतर कार्य करते जाओ। ऑटो पुल एक सिस्टम है, उसे आना ही होगा, लेकिन काम नहीं छोड़ना चाहिए। मिनिमम 5 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन करना होगा दिन में, जिसके टीम में 8 लेवल में बंदे ज्यादा है प्लान दिखाने वाले, उसकी झोली भर भर के आती है। हमें राह देखनी नहीं पड़ रही है, सेकंडों में पैसा आ रहा है। सर संडे हो या सैटरडे, पैसा डेली पास है, तो क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा पीछे देख के देखिए, पहले अपने जिंदगी में ऐसा नहीं था, आज अपना रुतबा बढ़ गया है, अपना पहचान बढ़ गया है। जहां भी जाता हूँ वहां पे जय परलवाइन करके कोई तो सामने आता है, सर मैं आपको पहचानता हूँ, बस बात खत्म हो गया। और ये जो पूरा श्रेय जाता है, ये मेरे सभी बिजनेस पार्टनरों को जाता है, ऑल इंडिया के पार्टनरों को जाता है। अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो भी हूँ आज मेरी टीम की वजह से हूँ। आप जो भी हैं अपने टीम की वजह से हैं, मेरे वजह से टीम नहीं है, टीम की वजह से मैं हूँ। ये अगर आपको समझ आ गया तो आपकी प्रगति कोई नहीं रोक सकता। आने वाले समय में बहुत बड़ा कारनामा हम कर रहे हैं, आपको लेके करेंगे। इस साल में 1000 रूबी ठोकने का चैलेंज मैंने लिया है, ये 2 महीने में मैं 100 रूबी ठोक देगा यंत्रणा गच्छ ग्रुप सांगली और हमारे संलग्न टीम से। इसका पूरा ब्लूप्रिंट लगा है। 22 तारीख को इंडिया का सबसे बड़ा सेमिनार 22 तारीख को हो रहा है, एजुकेशनल सेमिनार ले रहे हैं हम। 1000 लोग बैठेंगे सांगली में, 29 को हम अकलूज में सोलापुर में ले रहे हैं, 31 में हम कोल्हापुर में ले गए, 5 तारीख में हम पुणे में ले रहे हैं। तो आप भी अपने जितने भी लोग हो उस मंच पर लाइए, हम सब मिलकर इसको बढ़ाएंगे आगे और हमारी और लोगों की झोली भर भर के दे देंगे। इस सबको रूबी के लिए शुभकामना है। जो रूबी करना चाहता है वो 100% एक सीढ़ी दिया है, एमराल्ड ठोक दो, इस साल अपना 100% रूबी बन जाएगा। इतना पैसा आने वाले समय में आ रहा है, तो आप किसी भी रैंक में हो आप अपग्रेड करिए और प्लान बी भी आप अपग्रेड करके इस मंच पर जो आए हैं, इस मंच पर बहुत अच्छा प्लान यहाँ पे हुआ है। सभी लोगों को मैं विनती करता है कि यहाँ पे हम सब एक अच्छा कार्य करने के लिए हैं। जब जब आपको कोई भी जरूरत पड़े, मैं और मेरा टीम आपके साथ है, ऑनलाइन में,
ऑफलाइन में परलवाइन के लिए, जहां मेरे को जरूरत पड़ेगा आपको आना होगा। अजीत ओझा जी को मैंने निमंत्रण दिया था सांगली आने का, अंकित उपाध्याय जी को दिया था, शंभू शर्मा जी को दिया था, वीरेंद्र जी को दिया था, सब लीडर को यहाँ पे मूवमेंट हमने दिया था। तो ये सिलसिला हमें सबको बढ़ाना है। इस मंच पर मेरे जैसे एक छोटे आदमी को बुलाकर जो सम्मान किया, मैं उससे अभी उबर नहीं पा रहा हूँ। ये प्यार बरकरार रहे, ये दुआ करता है और दुआ करता है हमारे अपलाइन को कि ऐसा ही हमें आशीर्वाद देते रहिए। आने वाले समय में हम बहुत बड़ा कारनामा महाराष्ट्र से करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद।